आज के इस वीडियो में कुकिंग आवर्स में हम बात करते हैं कि टाइलों को किस तरह बेहतर तरीके से साफ किया जाता है, चाहे वो आपकी दीवारों की टाइलें हैं, फर्श की टाइलें हैं या वॉशरूम की टाइलें हैं। इन टाइलों के ऊपर जो दाग धब्बे जमा होते हैं, जब इनको एसिड से साफ करने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं उतरते, बल्कि इनका कलर जो है वो ज़्यादा फीका हो जाता है और चमक भी ख़त्म हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में कुकिंग आवर एंड व्लॉग्स आपको छोटा सा फार्मूला बताएगा और आपके इस मसले का हल बताएगा। तो चलें शुरू करते हैं। इस फार्मूले से आप हर किस्म की टाइलें साफ़ कर सकते हैं और इसके साथ साथ इनकी चमक भी वापस ला सकते हैं। मेन चीज़ जो हम इस्तेमाल करेंगे वो स्टार्च है। ये आलू की स्टार्च है, ये किसी भी जनरल स्टोर से आपको मिल जाएगी। अगर आपको ये स्टार्च आलू की नहीं मिलती तो आप कॉर्नफ्लोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको सिरका की भी ज़रूरत पड़ेगी, ये भी आपको किसी भी जनरल स्टोर से बआसानी मिल जाएगा। अगर तो आपके घर की टाइलें बहुत ज़्यादा गंदी हैं, फिर आपने विनीगर यानी सिरका इस्तेमाल करना है, वो किस तरह इस्तेमाल करना है वो भी बताया जाएगा। वरना आपको विनीगर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है अगर टाइलें ज़्यादा गंदी नहीं हैं तो। अगर टाइलें ज़्यादा गंदी हैं तो आप सिरका इस्तेमाल करेंगे। अब आपने इस तरह की एक बोतल लेनी है जिस पर स्प्रे नोज़ल लगी हो। हाफ बोतल पानी ऐड करना है और इसमें तकरीबन 3 चम्मच आलू स्टार्च ऐड करनी है। अगर आपके पास आलू की स्टार्च नहीं है तो जैसा कि मैंने पहले बताया, आप 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं, मगर आलू की स्टार्च का ज़्यादा फ़ायदा है। असल में जो पोटैटो स्टार्च है, इसकी एक ख़ासियत होती है कि जब हम इसको किसी डस्ट वाली जगह पर या मैली जगह पर लगाते हैं तो ये डस्ट पार्टिकल के साथ जाके दाग धब्बों वाली जगह के साथ जाके चिपक जाती है। आम तौर पर होता ये है कि जब हम किसी टाइल वगैरह को वैसे किसी कपड़े से साफ़ करने की कोशिश करते हैं तो ये जो डस्ट पार्टिकल हैं, जिनको आप दाग भी कह सकते हैं, ये इतने छोटे होते हैं कि ये कपड़े की पहुंच में नहीं, यानी कपड़ा इनको रगड़ नहीं सकता। तो आज हम स्टार्च का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये जो स्टार्च है ये दाग धब्बों के साथ चिपक चुकी होती है तो इसके पार्टिकल बड़े होते हैं। जैसे ही हम कपड़ा ऊपर लगाते हैं तो कपड़ा जैसे ही स्टार्च के पार्टिकल को खींचेगा तो साथ ही जितनी भी दाग धब्बे हैं, मैल कुचैल हैं, वो भी साथ उतर कर आ जाएगी। तो इसलिए इसमें ये इंग्रेडिएंट बहुत अहम है। इसमें आपने करना ये है कि आपने स्प्रे वाली बोतल में हाफ पानी ऐड करना है, 4 चम्मच भर कर आलू की स्टार्च ऐड करनी है और अच्छी तरह से बोतल को मिक्स करना है। फिर इसके बाद आपने रेड हार्पिक लेना है, ये आपको किसी भी जनरल स्टोर से मिल जाएगा। नीले कलर का हार्पिक यूज़ नहीं करना, रेड कलर का ले लेना है और उसी को ऐड करेंगे। और आपने एक कपड़ा ले लेना है, उस पर हार्पिक ऐड करना है और जिन टाइलों को आपने साफ़ करना है उस पर अच्छे तरीके से रब करेंगे, यानी कि अच्छी तरह साफ़ करें। इसके बाद जो स्प्रे बोतल आपने तैयार की है इसके ऊपर स्प्रे करें, टाइलों के ऊपर अच्छी तरह। आपने सारी गंदी टाइल्स के ऊपर ये पानी की लेयर लगानी है जो हमने स्प्रे तैयार की है। स्प्रे बोतल में मौजूद पानी की लेयर तकरीबन 5 मिनट तक लगी रहने देनी है, ताकि ये जो मैल के पार्टिकल हैं वो स्टार्च के साथ चिपक सकें। इसके बाद आपने दोबारा स्प्रे बोतल की मदद से टाइल पर स्प्रे करनी है। कपड़े पर जिस पर रेड हार्पिक लगा था इससे टाइल साफ़ करें और अब आप देखेंगे कि टाइल पर जो मैल थी वो ख़त्म हो चुकी होगी। टाइलों का कलर है, शाइनिंग है, वो ज़्यादा निखर कर सामने आएगी। इस तरीके से आप और भी बहुत सारी चीज़ों को साफ़ कर सकते हैं, जैसे कि मार्बल को भी ऐसे साफ़ किया जाता है और मिरर को भी इस तरह साफ़ कर सकते हैं और इनकी शाइन को वापस ला सकते हैं।